पब्लिक टीवी आपकी आवाज। माननीय न्यायालय का जो भी फैसला है हम उसका स्वागत करते हैं, और जो भी अपराधी है जिन्होंने अनैतिक काम किए हैं, हमारी सरकार का संकल्प है और संकल्प के आधार पर माननीय न्यायालय को साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं और उसी आधार पर यह सजा हुई है। मैं एक बात कहता हूँ, जैसी करनी वैसी भरनी। आज आपकी तरफ से बीजेपी के सांसदों को टिकट को लेकर के कुछ देखा जा रहा है कि कुछ भारतीय जनता पार्टी में टिकट का प्रक्रिया, चयन की प्रक्रिया है, और हम लोग आपस में बातचीत करके राय शुमारी करके केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को प्रस्तावित करते हैं, और अंतिम निर्णय माने जो हमारी केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड है, केंद्रीय चुनाव समिति है, वही इस पर निर्णय करती है। पार्टी अलग अलग स्वरूपों में अलग अलग उस पर बातचीत करके राय शुमारी करके इस विषय को आगे बढ़ा रही है। अभी इस पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारे नए लोगों ने, जो हमारे सांसद हैं माने, सभी ने बहुत अच्छा काम किया, और माने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबने मिलकर देश की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन निर्णय केंद्रीय पार्टी करेगी। सर, दोबारा सर्वे की बात कही जा रही है दीपावली के बाद में, किन बिंदुओं को ध्यान में रखकर के रहेगा? नहीं, सर्वे मुझे आपके द्वारा ही मैं विषय को सुन रहा हूँ, लेकिन हमारा पार्टी का बहुत बड़ा संगठन है, हमारा स्ट्रक्चर है, हमारी बूथ समिति है, हमारे सेक्टर हैं, मंडल हैं, जिले हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करते रहते हैं, कार्यकर्ताओं की राय, उनकी राय शुमारी के आधार पर ही निर्णय होते हैं। इसके अलावा जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सामने आया है कि वो वहाँ पर जाएंगे अयोध्या, उसके बाद से समाजवादी पार्टी कहें चाहे कांग्रेस, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर बीजेपी का हमलावर है कि राजनीतिक फायदा उठा रहा है राशि राम का और ठेकेदार बन गए। माननीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं और निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं, राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने उन्हें आमंत्रण दिया है, तो ये देश के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है, सबके लिए गर्व का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी उस समय जब भगवान श्री राम रामलला गर्भगृह में स्थापित होंगे, उसके लिए हमारी एक देश के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबके लिए गर्व का विषय है, और वो देश के प्रधानमंत्री हैं, राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने उन्हें आमंत्रित किया है, तो हम सबके लिए गर्व की बात। उधर समाजवादी पार्टी भी 1 नवंबर को लोकसभा चुनाव को लेकर एक मीटिंग करने वाली है लखनऊ में, बहुत बड़ी, और अखिलेश यादव समेत तमाम वरिष्ठ नेता वहाँ रहने वाले हैं, तो क्या स्ट्रेटजी रहेगी बीजेपी की? नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमारा एक विचार से जुड़े लोगों का, कार्यकर्ताओं का समूह है, और हमारे चाहे संगठनात्मक काम हो, हमारी सरकारों के काम हो, लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता जनता के संपर्क संवाद बनाए हुए हैं। हम लोग, आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से 17 सितंबर और 2 अक्टूबर तक हमारी पार्टी ने लगातार 15 दिन तक एक सेवा पखवाड़े के रूप में हमारे संगठनात्मक काम, सेवा के काम, रचनात्मक कामों के माध्यम से लगातार हमारा ये लोग सीजनल लोग हैं, चुनावी लोग हैं, और जब चुनाव आता है तो इनकी गतिविधि चुनाव के समय शुरू होती है। हमारी गतिविधि, भारतीय जनता पार्टी की गतिविधि लगातार 24 घंटे 360 दिन और 5 साल लगातार बनी हुई है। हमारी उपस्थिति जनता के बीच में है, जनता से हमारा गठबंधन है, जनता का गठबंधन मोदी जी से। दूसरा अध्यक्ष जी, अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, चुनाव भी होने वाला है, तो वह उनके बेटे वैभव गहलोत हैं, उनके ऊपर ईडी की रेड चल रही है, उस पर एक कॉन्ट्रोवर्शियल रिमार्क उनका आया है, उन्होंने कहा कि कुत्तों से ज़्यादा ईडी वाले घूम रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं केवल, हमें लोगों ने इसीलिए चुना है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, और जिन लोगों ने अनैतिक धन दौलत कमाई है, अनैतिक काम किए हैं, जिन्होंने गरीबों के अधिकारों को लूटने का काम किया है, गरीबों के हितों पर डाका डालने का काम किया है, और अनैतिक संपत्ति, अवैध संपत्ति खड़ी की है, उसका साम्राज्य खड़ा किया, सरकार संकल्पित है, जो भी दोषी हैं सबके खिलाफ कार्रवाई होगी,
अगर किसी ने कुछ गलत किया नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।